हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बर्मा सेल्फ माइक में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ट्रैक्टर के एम्पियर मीटर के कनेक्शन कैसे करें। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है एम्पियर मीटर जो कि है 30 एम्पियर का और ये V3 कंपनी का है। तो दोस्तों, इसमें दो नट दिए होते हैं जिनमें हमारे वायर लगते हैं। तो दोस्तों, कौन सा वायर किधर लगना है वो आज आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, जिस नट की तरफ B लिखा हुआ है उधर हमारा बैटरी का मेन वायर लगता है। तो दोस्तों, जो वायर सेल्फ से आता है वो वायर हमारा जिस तरफ B लिखा है उस नट में लगेगा। और दोस्तों, जो अल्टरनेटर वाला वायर आता है वो हमारे जिस नट पर L लिखा हुआ है उधर हमारा अल्टरनेटर वाला वायर लगेगा। तो दोस्तों, आपको हम लगा के दिखा देते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा बैटरी का वायर और ये हमारा जिधर V लिखा हुआ है उस नट पे इसे हमने लगा दिया है। तो ये बैटरी का वायर है दोस्तों। और दोस्तों, जिधर ये लिखा है उधर हम अल्टरनेटर के वायर को लगाएंगे। तो दोस्तों, इसे हम इसमें लगा देते हैं। ये हमारा अल्टरनेटर का वायर है और इसी में दोस्तों एक और वायर लगेगा जो कि हमारा इग्निशन स्विच में जाता है, चाबी स्विच में जाता है। दोस्तों, इसी से ये वायर हमारा इग्निशन स्विच पर जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये वायर लगते हैं। जो हमारा बी तरफ का है उधर हमारा सेल्फ से आता है वायर, जो मेन वायर वो लग जाएगा। और ये वाला जो इस तरफ L लिखा होता है उस तरफ हमारा एक अल्टरनेटर का वायर और एक जो हमारे इग्निशन स्विच को जाता है वो वायर लगेगा। तो ये दोस्तों वायर हमारा इग्निशन स्विच में लगेगा। तो दोस्तों, ये है चाबी स्विच और ये वायर इसके जिस पर 2 लिखा होता है, जिसमें दोस्तों 3 नट दिए होते हैं, इस पर नंबर पड़े हुए होते हैं 1, 2, 3। तो ये 2 नंबर पर लगेगा और 3 नंबर पे हमारा स्टार्टिंग रहता है और 1 नंबर पे हम आउटपुट देते हैं, मतलब और स्विच जो लगे हुए होते हैं उन्हें हम करंट देते हैं यहाँ से 1 नंबर से। तो दोस्तों, इसे हम 2 नंबर में लगा देते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इसके वायर को लगाते हैं। और दोस्तों, आपको हम दिखाएँगे कि ये मीटर कैसे वर्क करता है। देखिए दोस्तों, एक बल्ब हमने लिया है और ये हम जला रहे हैं तो ये मीटर हमारा माइनस की तरफ जा रहा है। तो मतलब ये खर्चा बता रहा है कि इतना बैटरी हमारा खर्च हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये खर्च हो रहा है। और दोस्तों, जब चार्जिंग करता है तो ये प्लस की तरफ जाएगा। तो दोस्तों, ये कनेक्शन हमारा सही है। और दोस्तों, अगर इन वायर को हम पलट के लगा देंगे इधर से उधर तो दोस्तों ये हमारा उल्टा हो जाएगा। तो जिधर हमारा खर्चा बताता है उधर चार्जिंग बताएगा और जिधर चार्जिंग बताता है उसे उधर खर्चा बताने लगेगा। तो दोस्तों, इन वायर को ऐसे ही इसी तरीके से लगाएं, ना कि उल्टा। उल्टा लगाने से दोस्तों हमारा मीटर उल्टा चलेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।